जो आई पी पीज है उनके मुआदे खत्म करें, वडेरा सिस्टम खत्म करें, जो 40 खानदान पाकिस्तान पर मुसलत है उन बगैरतों को खत्म करें। बिजली का बिल लेके आइए। इन्होंने लिखा हुआ है मौजूदा बिल आपका जो है वो 32,000 का, मतलब के ऊपर जितने भी हैं वो सारा टैक्स है, बाकी हैं जी जो सिलेगर भी हम जो है विजिट करते हैं। ये देखे जी बेचारे जो है वो कोई घर वगैरह देखे, दरवाजा देखे, और ये बिल आखिरी नोटिस भेज दिया हुआ है। कभी पहले इतना ज्यादा बिल नहीं आया, हमें तो बिल आता था 500-600। जी जी, ये पहली दफा इतना बोल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबके साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुलरहमान। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता कि हुकूमत पंजाब ने लोगों का बिजली के बिलों में कचूमर निकाल कर रख दिया हुआ है, और हम जो है वो इस दफा जो है बिजली का जो बिल आया है उस पर जो है वो लोगों के घरों में जाकर आज हम जो है ना वो जिसे टक्की मल्ला यानी कि मशीन मोहल्ला भी कहा जाता है वहां पर आज हम मौजूद है, जहां पर जो है वो हम अकेले अकेले घर से जाकर उनके बिल लेकर ये पूछेंगे तो जी इसमें टैक्स कितना लगाया गया, उन्होंने इस्तेमाल कितना किया है, ये उसमें टैक्स कितने हैं, ये कितने कितने हैं फिलहाल बिल आया और कितना आवाम को लूटा जा रहा है, ये हमारा जो है का प्रोसीजर है। बाकी मतलब कि किसी के दुख को भी अपना समझा जाए। देखिये हमारा अब बिल आ गया 17,000 में, देखिये हमने तो जमा करवा लेना है, लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं जो के बहुत ही बेचारे गरीब हैं, मजदूर लोग हैं जो मिस्त्रियों के पीछे जाओ दिहाड़ी लगाकर जो शाम को उनको जाओ 10,000 रुपया 500 रुपया मिलता है, और वो जो है वो बच्चों के फीस जमा नहीं करवा सकते, और आप लोगों के जो है 15,000 से 17,000 बिल कैसे जमा करवाएंगे। जो वो ये इस मोहल्ले में मौजूद है और इन मोहल्ले के जो है बिजली का बिल चेक करते हैं और बिजली का जो है वो हम बाकी प्रोसीजर का आइए मेरे साथ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी बिल कितना है? बिल आजी आप देख सकते हैं 10,446 रुपए बिल है। 10,646 रुपए बिल आया। अच्छा जी, और इसमें टैक्स कितना डाला गया? इतने टैक्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती कि ये सर्विस कौन सी है, किराया सर्विस कौन सी है, मतलब कौन सा ऐसा किराया जो हम लोगों ने अभी अदा ही नहीं किया और आप लोगों ने जो है हमारे बिल में निकालना होता है। अगर 13,000 बिजली बिल है तो 26,000 जो है ना वो उसके पैसे ले रहे हैं मेगावाट के, तो मैं कहता हूँ इनके मुआहदे को फौरी तौर पर कौमी असम्बली में लाया जाना चाहिए, जो इनके मुआहदे उनको ख़त्म करना चाहिए, जो बिजली पैदा हो रही है उसकी कीमत लेनी चाहिए, जो बिजली पैदा ही नहीं हो रही उसकी कीमत क्यों ले रहे हैं। देखिए जी, अगर मुझ पर यकीन ना हो तो चाचू जो हमारे साथ जाएंगे और हम जो है गली गली हर एक घर से जो है उनका दरवाजा खड़का कर जो उनसे बिल मांगेंगे और उसमें देखेंगे उनका टैक्स कितना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है चाचू? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 70,000+ बिल आया है और गरीब आदमी पे ये जुल्म है। जी जी, और जुल्म के अलावा इसको क्या कह सकते हैं। जी जी, हमारा मुतालबा है वजीर आजम साहब से और वजीर आला से कि कम अज कम जो आई पी पीज जो मुआदे हैं इनको कैंसिल किया जाए। जी जी, और गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए और ये IMF जो मुआदे सर पे हमारे सर पे बैठाए हुए हैं जुल्म करके उनको बंद किया जाए। जी जी, आए जी वहाँ, बाकी हम जो है ना वो विजिट करते हैं। जी बिजली का बिल लेके आइए। इस घर का बिल आ गया। अच्छा जी, 1 मीटर का 13,200 जो टैक्स कितना अंदर है ऐड किया हुआ? पे एक है। जी जी, 969 पे एक है। जी जी, और ये किराया सर्विस कौन है? और ये फ्यूल, ये किराया सर्विस और फ्यूल का ये क्या है? सब जुल्म है और क्या है? जी जी, सब जुल्म है। आवाम से इल्तमास है कि निकले बाहर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले। जी जी, आंटी जी चलाते की हो? बिल में देखो ये एक टैक्स है 1925 रुपए, एक टैक्स है 552। देखे इन्होंने लिखा हुआ है मौजूदा बिल आपका जो है वो 32,000 35,217। ठीक है, और आपको ये बाकी जो जितना भी ऊपर से टैक्स है ये 70,286, मतलब के इसका मतलब के ऊपर जितने भी हैं वो सारा टैक्स है। ज्यादा यूनिट चलाने वाला हर कोई अमीर ही नहीं होता। जी, कुछ जॉइंट फैमिली सिस्टम भी होता है हमारे यहाँ पंजाब में, तो ये उनमें उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी जी, ये कैसा जुल्म है कि एक आदमी ज्यादा चीज खरीदता है तो उसे रिलीफ मिलता है, लेकिन हम लोग ज्यादा बिजली खरीदते हैं तो हमारे साथ जुल्म होता है, हमारे हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ये बहुत जलील है। बाकी हैं जी जो सिलेगर भी हम जो है विजिट करते हैं। ये बिल आया कितना वैसे? बिल आया जी 1,17,000 रुपया। 1,17,000 और ऊपर टैक्स चेक किया आपने कितना है? वो तकरीबन कोई 12-13 हजार रुपया टैक्स है।
12-13 हज़ार और किस बार का टैक्स जो आपने तेल इस्तेमाल किया ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है ये जो महकमे वाले खुद चोरी करवाते हैं लोगों से, फिर वो आम कंज्यूमर पे डालते हैं। दूसरे सूबे इनको बिल ही नहीं देते, वडेरा सिस्टम बिल ही देता। ये जो IPPs हैं उनके मुआवजे खत्म करें, वडेरा सिस्टम खत्म करें, जो 40 खानदान पाकिस्तान पे मुसल्लत है उन बगैरतों को खत्म करें, उनकी मुराद खत्म करें, उनकी यूनिट बंद करें। हर बिल में ये 35 रुपए उन्होंने ये लिखा हुआ है टेलीविजन फीस। टेलीविजन फीस वो किस बात की है? अगर एक घर में 3 मीटर लगे हुए ना, देखें 1-2-3 जी, वो भी 3, ये तीनों पे लादा लादा 35-35 रुपए आने हैं। 35-35 रुपए जी, अलग है। नहीं 35 नहीं है, ज्यादा भी है। तो वो मेरे ख्याल में सबसे जो सवाल है जी, वो मैडम CM साहब से करना चाहिए कि जिन्होंने कहा था कि बिल जमा करवाने बैंक में जाएंगे और फ्री जमा हो गया, वो तो कहाँ पे गया वो वादा। ओके जी, हमने जो है ना एक और जानोगर नोक किया, यहाँ पर हम जो है बिल लेने इनका जो है बिल लेते हैं। अगर साथ है पाकिस्तान की आबादी ज्यादा बढ़ गई है ना, तो वैसे किसी को जहर की गोलियां देकर तो मार दे, ऐसे तो नहीं ना हर किसी को करना चाहिए। खुदारा हम पे जुल्म मत करें, हमारे बच्चों के मुंह का नवाला मत छीने। अच्छा जी, ये चाचू बिल लेके आए, ये 2,27,000 2,27,000 ये देखे जी, 2,863 ये देखे जी बेचारे जो है वो कई दरवाजा देखे, घर वगैरह देखे, दरवाजा देखे, और ये बिल आखिरी नोटिस भेज दिया हुआ है, मोटरसाइकिलों का काम करता है बस, ये माँ बेचारी है, इनकी दुआदार की जरूरत भी होती है। सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा जी कर लें, 2,331 जो है ना इनका मौजूदा बिल है, और जिस पर जो है वो टोटल बिल भेजा हुआ 5,420, ऐसा ही है ना? हाँ, ये टैक्स ही है। गरीब तो बिल जमा करवाने से कसर हो चुके हैं, ये नहीं मरीज होते जा रहे हैं बेचारे, ये करते क्या खस्ता अलग अलग का काम करता बेटा इनका। तो अच्छा जी, ये जो है बिजली का बिल आ गया जी, भाई आइएगा एक मिनट जी, 2,292 ठीक है। तीन अफराद की फैमिली। अच्छा जी भाई, इतना बिल लाने की क्या वजह, और इतना आपको पता है इतना आपका टैक्स लगाया गया? टैक्स बहुत ज्यादा लगा, हम तो एक पंखा चलाते हैं और ये बस एक मोटर, तुम्हारे की फैमिली भी 3 अफराद है, कभी पहले इतना ज्यादा बिल नहीं आया, हमें तो बिल आता था 500-600 जी, ये पहली दफा इतना दो तीन। और ये जो है वो टैक्स आपके जो है काफी ज्यादा, ये देखा जो टेलीविजन जितने भी हमने अभी तक बिल जमा किया 35 रुपए लाजमी टेलीविजन लाजमी लगाया हुआ है, टीवी को देखता ही नहीं, टीवी को देखे यार, टैक्स क्यों है? श्री हम जुलम कर रहे हैं, बिजली का बिल में शामिल हो गया। हाँ बिल्कुल, ये हमारा जो खून चूस के अशराफिया खा रहे हैं, ये श्री हन हराम खा रहे हैं जी। एक घर दे बेले आ जाइए, दोनों ही एक घर दे। अच्छा जी ठीक हो गया जी, एक बिल जो है वो दो। अच्छा जी, कितने अफराद ने? 7-8। अच्छा जी, तो की इस्तेमाल कर रहे थे? कुछ भी ना, बेले ना कोई मतलब कूलर ना कोई चीज हुआ पखे के अलावा कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बिजली के बिल के बारे में क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा होता है जी। अच्छा जी, ये टैक्स किस वजह से लगाया जा रहा है, कुछ पता जी? कोई पता नहीं जी जनाब, ये पंखा चलता है। हाँ जी, तो ये एक फ्रिज है बस, और कुछ नहीं। फ्रिज और पंखा, चलो जैसे देखे जी, जरूरिया चीजें तो लोगों ने और चलानी है, हमारे थोड़ी ना जाना है। अजी हमारे चुबारा से लोगों से भी ये गुजारिश है जी, थोड़ा सा अपने हक के लिए निकले, थोड़ा सा बिल के लिए, अपने सड़कों पर के लिए नहीं निकलना होता जी। चुबारा का जाना, वो अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, वहाँ पे बैंसे ना जाना वो चारा खा रही होती है, सड़कों की बात करें तो वहाँ पे स्विमिंग पूल बना के बैंसे जो नहा रही होती है, बच्चे जो भाग रही होती है, पनीर जो है वो मुंजी वगैरह जो सारा निकाला होता है। तो ये सारा जो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को सरासर जो शर्म आनी चाहिए, अपने चुबारा को कस्बा कहा जाता है। हाँ, कस्बा कहा जाता है, शहर बेकार नाम भी दिया जाता है, हालांकि इसकी गांव से भी बदतर जिन। हाँ लेकिन देखे ना बाजार की सूरत हाल, देखे दुकानदार फाड़ के बैठे हुए जी जी, सड़क की वजह से, सड़क की वजह से भी, और ये लोगों को जो बिलिंग ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, मुझे तो लगता है लोगों ने शादियां पे जाना भी बंद कर दिया ना, शादी करना भी बंद कर जाना है, लड़ाइयां घरों में पड़ी हुई हैं, तो खुदकुशियां भी इसी तरह ही होती हैं, खुदकुशियां भी इसी तरह।